हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोहित शर्मा आज आपके सामने पंचायती राज के बारे में बताता हूँ। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आने वाला प्रश्न। भारत में पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री डॉ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ। प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में, जबकि से दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का गठन हुआ। पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लगाया गया था। यह समिति 1957 में गठित हुई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे मंजूरी मिली। पंचायती राज का प्रावधान संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में किया गया है। इसे अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है, जबकि नगर पालिका का संबंध अनुसूची नंबर 12 में दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें, इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर राज्य ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसमें 1/3 महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। अगर 6 माह से कम समय बचा है तो वहां पर चुनाव नहीं होंगे। नोट, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। 74वां संविधान संशोधन, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243 एवं अनुसूची नंबर 12 का प्रावधान किया गया है, जिसमें 18 विषय हैं, जबकि ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 आरक्षण है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। थैंक यू दोस्तों।